अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? आज संडे है, इट्स 2:50 AM इन अटलांटा टाइम बाय द वे। और पाकिस्तान में अभी तकरीबन दिन के 12 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट कोई 10 मिनट रहते हैं 12 बजने में। और मैं 2 बजे उठ के मैं इस जेंटलमैन से इंटरव्यू के लिए उठा हूँ। ये मेरा पैशनेट हूँ कि मैं इनसे आपको मिलाऊं, ये मेरी कमिटमेंट है। अगर आप समझते हैं कि ऐसे बस अमेरिका में बैठे लोगों को कोई पता नहीं होता, मैं सो के उठ के इनसे बात करने के लिए उठा हूँ। जी, कैन यू फील आई एम फ्रेश एयर, आई हैव द एनर्जी? मेरी एनर्जी को आप छोड़ दें, आप अपनी एनर्जी मुझे बताएं कि आपकी एनर्जी है कि यू आर गोइंग टू वॉच दिस इंटरव्यू इन इट्स एंटायरिटी एंड यू आर गोइंग टू लेट मी नो द फीडबैक, बिकॉज आई विल बी वॉचिंग, माई गेस्ट विल बी वॉचिंग। हियर इज समथिंग, डू यू रियली नीड इंस्पिरेशन टू रियली डू समथिंग कंप्लीट इन योर लाइफ? डू यू रियली नीड इट? यू थिंक सो? यू ऑलरेडी हैव इनफ? आई हैव नो आइडिया, आई डोंट नो दैट यू रियली नीड इट नॉट। व्हाई नॉट वी आर गोइंग टू फाइंड टूगेदर फ्रॉम आवर यंगेस्ट पर्सन इन पाकिस्तान, 16 ईयर्स ऑफ एज, got his first computer in grade second, and then mashallah he did a hafize quran kiya hai unhone jab 5th class mein tha, 2.5 saal mein kiya hai. fir uske baad jo garmiyon ki chuttiyan hoti hain, pata nahi aap kya karte hain, main kya karta, main bhi time waste karta hota jab chuttiyan hoti thi, aap pata nahi kya karte hain. inhone kya kiya hai, pakistan mein youtube ban hai, youtube watch karke ek ek video jo urdu mein hai aur hindi mein hai sabko watch karke unhone ek topic pe he learned it ki usme topic mein kaam kaise karna hai. ये है, दैट्स कॉल्ड कमिटमेंट, दैट्स कॉल्ड पैशनेट अबाउट लर्निंग अबाउट समथिंग. पैशनेट भी होते हैं लोग, हर एक का पैशन है कि मैंने ये करना है, वो दैट्स कॉल्ड ड्रीमिंग. ओके, एक चीज होती है कमिटमेंट. जो कमिटमेंट क्या आपकी है, कमिटमेंट प्रोड्यूसेस एवरीथिंग. पैशनेट, पैशन से कुछ नहीं होता, कमिटमेंट प्रोड्यूस पैशन. जो सिर्फ पैशन हो उससे कमिटमेंट प्रोड्यूस नहीं होती. आपको आग लगाने के लिए लकड़ी पहले चाहिए होती है, दैट्स कॉल्ड योर कमिटमेंट. फिर क्या हुआ कि कुछ महीने पहले इनको लाहौर यूनिवर्सिटी से, जो पाकिस्तान का यंग सुपरस्टार है, इनको अवार्ड मिला के ये हैं अभी रिसेंटली, वेरी वेरी रिसेंटली, दैट्स हाउ वी आर एबल टू कनेक्ट विद हिम, कि ये फाइवर पे फीचर्ड सेलर हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ ग्रेट ग्रेट न्यूज फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान को ऐसा टैलेंट चाहिए. एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर हैं, वो खुद अभी एंटरप्रेन्योर हैं लेकिन वो एमर्जिंग सुपरस्टार हैं. ये एमर्जिंग यंग लिविंग लेजेंड है. आप कह रहे हैं मैं कितने खराब इनको दे रहा हूँ, ये हैं कौन, ये तो ऐसे तो नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताएं. वाकई उनसे पढ़ना सुनना चाहते हैं, कुछ कुछ उनसे सीखना चाहते हैं, मैं भी आपके साथ सीखूंगा. अगर आप तैयार हैं तो आप बताएं. टेल मी मोर, टेल मी मोर, टेल मी मोर. ओके, आई रियली वांट टू नो दैट. सो व्हाई नॉट यू राइट अ कमेंट, यू नो आई ऑलवेज आस्क फॉर राइट अ कमेंट अंडरनीथ, गो अहेड एंड डू इट. सो आई वांट टू नो इफ यू आर रियली वांट टू नो फ्रॉम हिम. ओके, जब वो अभी फीचर्ड सेलर फाइबर पे बने हैं तो मैंने देखा कि पाकिस्तानी बच्चा है, देखे इनसे पूछते हैं क्या करते हैं, पता नहीं बच्चे से कैसे बात करेंगे, बच्चा वो हमें रिस्पॉन्ड भी करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं होता ना. आई एम श्योर आपको पता है बच्चे तो जरा थोड़े स्केर्ड होते हैं, सेफ्टी का बड़ा इशू होता है. जब उनसे बात हुई तो बहुत सारे लोग उनको हरास भी करते रहते हैं, लेकिन मैंने कहा ये दैट स्टॉप्स राइट नाउ टुडे, यू आर इन अ सेफ हैंड्स नाउ. एंड आफ्टर इसके बाद हम दुनिया से जितने जो टॉप के एक्सपर्ट्स हैं उनकी सारी की जो किस तरह के भी इनको नॉलेज चाहिए, आई एम कमिटिंग ऑन कैमरा राइट नाउ. He doesn't have to worry about ever कि ये कोई आपको ये स्कैम करे, कोई चीजों को छोड़ दे, उन बातों को कभी यकीन ना करें, उन चीजों पे अपने चीज पे फोकस करें. फोकस इज एवरीथिंग. और अच्छी न्यूज ये है, बिफोर आई ब्रिंग हिम राइट नाउ एट द टाइम ऑफ दिस इंटरव्यू, ही इज एम्प्लॉइंग 18 पीपल इन पाकिस्तान. आई सल्यूट हिम. इज नो अदर देन राव तला. राव तला, वेलकम द शो एंड वी आर गोइंग टू हैव फन टुडे. राव तला, वेलकम. अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक, थैंक यू वेरी मच मुझे अपने शो के अंदर इनवाइट करने का और यहाँ पर बोलने का मौका देने का. मैं आई एम वेरी एक्साइटेड कि आपने शो में इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया. वो ये तो मेरी आनर है आपसे बात करने के लिए. अच्छा, इससे पहले कि आप ये सोचें कि वो ये कौन है, कोई प्रिविलेज स्टूडेंट होंगे, इनके पेरेंट्स माशाल्लाह अमीर होंगे, इनके पास हर वो चीजें होंगी, ये इसलिए कर रहे हैं, ये मैं बता दूं कहाँ से है. You really want to know where he is from? You will be shocked to know what that's where he is from. He is from Chuck number 23 ASB, 30 kilometer away from Sargodha. 30 kilometer Sargodha से दूर हैं भाई. जब मैं पहले इंटरव्यू करने की कोशिश की उसमें बिजली नहीं थी उनके पास, वो बैटरी होती है उससे वो काम कर रहे थे. अभी भी पता नहीं बिजली है कि नहीं, आई डिडंट आस्क हिम. अब जो ट्रबल्स आती हैं वो तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है. कंप्लेन, यू कैन कंप्लेन फॉर एवर. But it's not about complaining. It is about focusing on your work and keep doing it. We are going to have fun. अब तला हमें ये बताएं, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं नहीं मुझे तला से बात कराएं, मैं तो आपकी बात तो मैं हमेशा सुनता रहता हूँ, कोई बात नहीं, मैं अभी इनको बुला रहा हूँ. अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप
सेकंड ग्रेड में आपने अब्बा से कंप्यूटर लेने का कहा, तो कैसे ये सारा कैसे शुरू हुआ कि आपको ये कंप्यूटर का शौक है? कौन आपको इंस्पायर किया? कहाँ पे थे आप? ये कैसे हुआ ये आप बताएं हमें, वी वांट टू रियली लर्न फ्रॉम यू। देखिए मेरा कंप्यूटर के अंदर जो इंटरेस्ट था वो तो ग्रेड टू से ही पैदा हुआ, बल्कि छोटी सी उम्र के अंदर थोड़ा सा कंप्यूटर के साथ लगाव मेरे साथ ज़्यादा ही था बाकी लोगों से, क्योंकि मेरे घर के अंदर सिचुएशन ये थी कि मेरे एक कज़न थे जो कि कंप्यूटर के अंदर उन्होंने MSc IT वगैरह की और वो बाहर होते हैं, तो उस वक्त उनकी बातें हुआ करती थी कि इस तरह, तो जिसकी वजह से मेरे अंदर थोड़ा कंप्यूटर का शौक पैदा हुआ बहुत ज़्यादा कि मुझे भी कुछ करना है। तो उस वक्त ये था फिर कि मैंने भी अपने बाबा को कहा कि मुझे भी कंप्यूटर चाहिए, तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने हौसला गिरने नहीं दिया और उन्होंने मुझे कंप्यूटर बाय करके दिया। तो उस वक्त तो ये सब नहीं पता था कि ये ऑनलाइन वर्क और ये एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह करूँगा, लेकिन ये था कि उस वक्त तो मुझे कंप्यूटर के साथ लगाव था ना, मेरी बेस थी वो। तो उसके बाद मैंने कंप्यूटर लिया, बाय किया, और उन दिनों में तो मेरा क्योंकि वैसे भी एक विलेज है तो यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ये शौक वगैरह चलता रहा। कंप्यूटर के साथ बहुत ज़्यादा लगाव मेरा ना, क्योंकि उस वक्त भी ज़्यादातर आवर्स मेरे 24 आवर्स के ज़्यादातर एक बड़ा हिस्से जो घंटे थे वो मेरे कंप्यूटर के साथ ही गुजरते थे। तो उसके बाद ये कि बढ़ता गया, 5th क्लास में मैंने हिफ्ज़ वगैरह किया, उस दौरान भी थोड़ा सा ज़्यादा लगाव हुआ। तो एट द एंड क्या हुआ कि 9th क्लास के अंदर मैंने बकायदा जो एक मूवी देखी थी, ऐसे ही बैठा हुआ था, कंप्यूटर के साथ इंटरेस्ट तो पहले ही था लेकिन एक बिल्ड थोड़ी सी इंस्पायरेशन चाहिए थी और थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप चाहिए था, तो वो अल्लाह पाक ने थोड़ा सा मूवी से कर दिया देखने से, बाकी तो अल्लाह पाक ही करता है सब। तो वो मैंने मूवी देखी तो जिसका नाम है कि वायरस था, तो उसके अंदर थोड़ा हैकिंग से रिलेटेड बताया हुआ है, तो काफ़ी कुछ वो उसके किरदार जो है उसके अंदर लड़का जो है काफ़ी मेहनत करता है उस अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, बहुत मेहनत की। जिसके जब वो मूवी ख़त्म हुई तो मेरे अंदर भी एक थोड़ा सा फायदा हुआ, यार मुझे भी कुछ करना है, डिफरेंट करना है, तो और कंप्यूटर से रिलेटेड तो करना ही है। तो फिर मैंने ना ऑनलाइन तरह गूगल पे आया, तो मैं भी हैकिंग में चला गया, हैकिंग की काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देखी। तो एक दिन मैं नॉर्मल जनरली बैठा हुआ था, तो वीडियोज़ मेरा यूट्यूब पर बहुत बड़ा सहारा थी उन दिनों, यूट्यूब पाकिस्तान में बैन भी थी, तो उन दिनों में मैंने मुझे एक वीडियो मिली, बेसिकली जो एक इंटरव्यू था एक गर्ल का था, वो फ्रीलांसर थी और आई थिंक freelancer.com पे काम करती थी और वो राइटर थी। तो उसने पूरी स्टोरी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये बहुत कम था, तो उस वक्त मुझे नहीं पता ये था उस वक्त या नहीं, लेकिन उस वक्त मेरे लिए ये न्यू था क्योंकि मैं पहली मरतबा वीडियो देख रहा था। तो मुझे उस वीडियो से पूरी वीडियो मैंने 4-5 मरतबा देखी, 30-40 मिनट की वीडियो थी। उसके बाद मुझे ये आइडिया हो गया कि ऑनलाइन भी कुछ है, ठीक है, वर्क है और ये अथेंटिक है, इसके अंदर कोई इस तरह की बुरी चीज़ नहीं है। तो बाकी ये था ट्रस्ट से तो बहुत ज़्यादा पड़े थे, उनको फाइंड करना था बस। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें इसे हमने क्या सबक सीखा है, आप बताएं। लेट मी टेल यू व्हाट आई लर्नड। सो यू नीड टू हैव अ रोल मॉडल टू फॉलो, दैट मीन सो यू कैन मॉडल द सक्सेस। जैसे आप इंस्पिरेशन मिले कि आप जहाँ पे जाना चाहते हो उस बंदे को आप विजन करते हो। इनका आपके कजन था, आपके कजन का क्या नाम था? राव नाम है उनका, राव जिया। राव जिया अगर आप वाच कर रहे हैं, मैं डेफिनेटली आप वाच करेंगे किसी न किसी का हमें फाइंड करेंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया रोल मॉडल बनने का। सो यू कैन बी रोल मॉडल। अब मेरा आप वाच कर रहे हैं तो आपका रोल मॉडल कौन है? दैट्स द क्वेश्चन टू आस्क। यू नो इफ यू डोंट हैव वन यू नीड टू फाइंड वन। हाउ डू यू फाइंड इट? कीप वॉचिंग दिस एंड मेनी अदर वीडियोज, आई एम श्योर दैट समथिंग विल क्लिक विद यू। इफ माई यंग मैन राव तल्हा कैन नॉट इंस्पायर यू टूडे, I have no idea. I will fail every time too. That's why I brought you the young person from Pakistan, from a village where all the problems exist. Like you can imagine they probably have that problem from a very middle-class family. But he never let it go. He kept going and kept going. Are you willing to take whatever it takes to make it happen? That's what you need. That's the determination. That's called commitment. So you really need the commitment of that level before you can be successful. So it's not about Fiverr, it's not about entrepreneurship. लेकिन आपको जो कमिटमेंट इस लेवल की चाहिए कि आप उसके बगैर आपका काम कभी कामयाब ही नहीं हो सकता। ये नहीं अच्छा मैं ट्राई कर लेता हूँ, पहले भी बड़े फ्रॉड आए, एक और फ्रॉड आ गया होगा। ये मुझे पता है आप यही सोचते हैं, कहते नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। कुछ लोग कहते कितने, कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं, कहते भी हैं कि ये एक नया फ्रॉड आ गया, मुझे तो गालियां भी मिलती हैं, कोई भी बात नहीं। ये तो उसका मैं कहता हूँ ये बेचारे को कितना विक्टिम बन चुका है कि ये सोचता ही रहता है कि फ्रॉड ही आता है। जो चीज़ आप फोकस करेंगे वही चीज़ बढ़ती जाती है आपके दिमाग में। ये मैंने नहीं कहा, बाय द वे रॉबर्ट शीमन का इंटरव्यू है मेरे साथ, वो 2 मिनट की वीडियो है, वो आप वॉच करें।
whatever you focus on, it will expand. If you focus on trying to do something good, it will expand. I want you to watch it. I'm not going to spill the beans on that one. अच्छा आप ये बताएं माशाल्लाह फिर आपने ये इंस्पिरेशन हुई फिर आप आगे बताएं कि आप फिर फाइबर पे कैसे आ गए देखें सिद्दीक जब मैं ये सब फील्ड में आया उसके अंदर मैंने काफी लर्निंग की ठीक है उस स्टेप के बाद फर्स्ट स्टेप के बाद मैंने यूट्यूब को बहुत बड़ा सहारा बनाया लर्निंग के लिए तो अल्लाह का शुक्र है कि एक वक्त आया था कि जब ये जस्ट मैं आपको मोटिवेशन के लिए बात कर रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर मैं नहीं कहता कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है लेकिन नहीं मैं कहता हूँ यार आप मुझसे ज़्यादा करें ताकि आपको बड़ा लेना है तो आप थोड़ा सा इससे ज़्यादा मेहनत करें ताकि आपको इससे बड़ा मिले तो एक बार उस वक्त था कि यूट्यूब के ऊपर के उनके ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो क्योंकि मैं उस वक्त ब्लॉगिंग सीख रहा था ना कि इस फील्ड में मैं न्यू था तो इंग्लिश मेरी तो इतनी स्ट्रांग नहीं थी तो वहाँ पे यूट्यूब के ऊपर मैं रिसर्च किया करता था कि मुझे कोई ऐसी वीडियो मिल जाए कि जिसके टाइटल के अंदर इन उर्दू एंड हिंदी हो जो पाकिस्तानी हिंदी किसी और या किसी भी कंट्री के बंदे हो लेकिन उर्दू में वो बनी हो क्योंकि मैं ऑलमोस्ट ऑल वीडियो जो है मैं वो चैलेंज के साथ बात किया करता था कि मैं ख़त्म कर चुका हूँ मुझे मिल नहीं रही थी तो अब मुझे तो और वे चाहिए थी सीखना था मुझे अभी मैं प्रॉपर तो समझ भी नहीं आई थी बेस पेन भी नहीं थी तो और सीखना था तो उसके बाद सोचा गया कि कुछ कोर्स वगैरह भी ज्वाइन करता हूँ तो ब्लॉगिंग के बाद जो मुझे रिसर्च वगैरह के बाद पता लगा कि उसके लिए ब्लॉग का फ़ायदा ही तब होता है जब ट्रैफिक आए तो उसको फिर SEO का पता लगा SEO के बारे में काफ़ी रिसर्च की तो उसके बाद मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे थोड़ा सा कोई टीचर भी हायर करना चाहिए ताकि थोड़ा सा मुझे ना एक लाइन पे आ जाऊँ उसके बाद देखें एडवांस जो होती है वो तो इंसान ने खुद फाइंड करनी होती है और क्योंकि एडवांस बनती भी बनाता भी इंसान ही है ना बेस तो बनी रहेंगी जो भी पहले जो हो चुका है वो बेस है आपकी जो आप न्यू बनाओगे वो एडवांस है तो मुझे ज़रा बेस चाहिए थी तो मैंने ज़रा ट्रेनिंग भी ली और पे भी किया एक बड़ी फीस पे की जो उस वक्त मैं इतना शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकता था लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि और आज आप लोगों के सामने हूँ और आपने जैसे पूछा कि फाइवर का तो फाइवर का मुझे याद है कि पिछला जो दिसंबर मुझे ऑलमोस्ट 9 months होने वाले हैं फाइवर के ऊपर वर्क करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने 9 months पहले जो है ना दिसंबर जो हमारा गुजरा उसके अंदर मैंने अकाउंट बनाया था नवंबर के एंड के अंदर 20 या 24 तारीख को बनाया था और दिसंबर में प्रॉपर मैंने वर्क स्टार्ट किया था तो जब मैंने वहाँ पे वर्क स्टार्ट किया तो कुछ अभी पता लगा कि यहाँ तो और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास एक स्किल थी जो कि मेरे फादर की वजह से मेरे पास आई थी उनकी उस एक्ट की वजह से कि वो मुझे कई बार शॉप पे बिठाया करते थे जब उन्होंने कहीं बाहर जाना होता था वर्क तो उससे मेरे अंदर एक क्लाइंट के साथ डील करने का क्योंकि उस लेवल पे मुझे क्या पता 15 साल का उस टाइम था मुझे क्या पता कि यार क्लाइंट से कैसे बात करनी है मुझे तो नहीं पता था ना कोई आइडिया था कि डील कैसे करनी है लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे फादर ने ऐसी ट्रेनिंग मुझे ऑटोमेटिक दिलवा दी कि मुझे समझ आ गई थी पहले ही कि एक क्लाइंट जो है आपका जो बायर है उससे डील कैसे करनी है तो उस वजह से मुझे काफ़ी मदद मिली और बाकी देखें टर्म्स जो हैं वो सर्च ऑप्टिमाइजेशन वगैरह वो तो ट्रेनिंग के उसके अलावा और बहुत सारी वजह से मैं सीख रहा था लेकिन आपको कम्युनिकेशन स्किल भी चाहिए होती है जो कि मेरी वहाँ से डेवलप हो चुकी थी तो मैंने फाइवर के ऊपर इस तरह की अल्लाह पाक ने सिचुएशन बना दी थी कि कोई भी बायर जो मुझे मैसेज करता था रिलेटेड टू मेरी सर्विस तो वो कभी विदाउट ऑर्डर गया नहीं है अल्लाह का शुक्र है तो जो भी मैसेज किया करता था ऑर्डर दे के जाता था और मज़े की बात ये कि हालांकि फाइवर जो है वो $5 की सर्विस है लेकिन मैंने स्टार्ट से ही मुझे $5 से अबव के ऑर्डर्स मिले और जल्दी 15 days के अंदर मेरा कंप्लीट हो गया था level 1 इसी तरह आज भी अल्हम्दुलिल्लाह है माशाल्लाह वेरी गुड आपने बहुत अच्छा बताया ये बड़ी खुशी की बात है देखें आप मैंने कहा था ना मैं इंप्रेस कर रहा हूँ ऐसे तो नहीं मैं रात के 3 बजे उठ के इनसे बात कर रहा हूँ संडे है संडे को तो हर बंदा लेट सो रहा होता है लेकिन बात भाई मुझे तो राव तलहा साहब को आपसे मिलाना था इसके लिए मैं मेरे के नींद संडे नाइट डजंट मैटर वी कैन स्लीप एवरी डे देयर टू मेनी संडेज इन योर लाइफ ऑलरेडी हैपन सो दिस इज समथिंग सो स्पेशल दैट्स अ गिफ्ट एंड आई एम फ्रेश कैन यू टेल इट्स अ 3 AM हियर नो यू कांट टेल बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड टू ब्रिंग हिम विद यू एंड ही इज स्पिलिंग ऑल द बीन्स हाउ ही हैज रियली गॉन थ्रू आई विश सो व्हाट इज योर रोल मॉडल
and what is how you are learning. He mentioned something about communication skills. He learned it by sitting in a shop. By the way, इनके जो father हैं Rao Rizwan साहब, उनकी pesticide की shop है और उनकी ICI की agency भी है. तो वहाँ पे customer में dealing करते हैं, deals करने से इन्होंने सीख लिया. अब आप ये सोच रहे होंगे अच्छा वो गांव में या शहर में जहाँ भी shop है वहाँ पे जो पाकिस्तान की जो dealing है उस dealing का क्या फायदा, जो बाहर काम करते हैं वो तो different है, English में है या दूसरे हैं. Let me tell you one thing. मैं पाकिस्तान में बड़ा हूँ, पाकिस्तान में मैंने मास्टर डिग्री की है, लेकिन अब बाहर से 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन जो लोगों से बात करने का यूनिवर्सल एक ही तरीका है. Doesn't change. That's a surprise to you? Tell me. Is that really surprise? Write down. Oh yeah, yeah. नहीं नहीं नहीं, गोरों से बात करने का डिफरेंट तरीका है. बेसिकली एक ही चीज है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है इसमें, और उस बंदे को इंस्पायर करना है ताकि बंदा आपसे काम करे. हर बंदा क्या चाहता है, अपने जो उसको काम आता है, जैसे वो बात कर रहा है, दूसरी तरफ रिस्पेक्टफुल बंदा है और जो सवाल पूछा जा रहा है उसका वो जवाब दे. अब वो लेकिन आप कैसे सीखेंगे, ये था हम आपको फाइवर कोर्स में सिखाएंगे. और मैंने Rao साहब को अभी मैंने पकड़ लेना, मैंने छोड़ना नहीं, ये मेरा छोटा भाई समझ लिया इसको, अब ये कहीं नहीं जा सकते. ये हमें आपको भी सिखाएंगे वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं. नहीं आता कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता था, मैंने कहाँ से सीखा है, मैंने लोगों से सीखा है. यू नीड अ ट्रेनिंग एंड यू नीड अ मेंटर. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैंने बहुत सारे मेंटर्स आपके लिए इकट्ठे किए हैं. अभी बात कम्युनिकेशन की हो रही थी, तो इसके लिए the world best person who is the top in the world, jinke clients coca cola aur bade bade bahut badi company hain, uska naam hai Rene Kamstra. In fact I just interviewed yesterday with her. She is going to come to Pakistan on her own. I'm not even paying her anything. Can you imagine that? She has trained millions of people around the world and she does business in 20 plus countries. She is going on a world tour right now. And in fact, you should be watching her interview too, because she is saying, I love to help you communicate. People think, oh yeah, you're excited on videos. And what is that? What's the deal? How you learned all this one? Let me tell you the secret. I learned from Rene Kamstra. And now you don't need to learn from me. I'm bringing her. I said, you know what? I need a refresher course myself. Why don't you teach millions of people in Pakistan? And I will be watching how you're successful. I know you can teach this idiot. Why not teach the other young people who are way smarter than me, and I want to learn from them while you're teaching, and then our whole world in Pakistan could be a way way prosper place. Taki aap grow kar sako, aapke family grow kar sake. Main sare aapke comments padhta hu, aap kehte hain I want to grow and I want to support my family. Me too. We all want to grow together. Let's work together. Let's grow together. That's the key. Abhi Rao Talha, aap ye bataye ki abhi aapke immediate future plan kya hain? देखें सिद्दीक, ड्रीम्स तो सबके होते हैं, ठीक है, और बस उसके लिए हार्डवर्क करनी है हमें. जब मैं फाइवर पे फीचर्ड हुआ तो उस वक्त कुछ और ख्वाब थे, ठीक है, अब कुछ और ख्वाब हैं, तो इस तरह ख्वाब तो बड़े हैं, बस हार्डवर्क की ज़रूरत है और आप लोगों की दुआएं. इंशाल्लाह वो हार्डवर्क, वो ड्रीम्स जो हैं वो भी इंशाल्लाह अचीव होंगे. जब ये जो मेरा एक टारगेट था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, वो अचीव कर चुका हूं, तो इंशाल्लाह मेरे और भी जो ड्रीम्स हैं वो भी इंशाल्लाह जल्दी ही कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह. अच्छा, ये अभी मैं आपसे एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछने लगा हूं, आपको शायद जवाब इसका. मैं ये करना चाहता हूं कि मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन सवाल पूछने से पहले मैं आपका यस लेना चाहता हूं कि आप उसका जवाब यस में दोगे, क्योंकि अगर आप नो में दोगे तो मेरा जो ना हार्ट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, उससे क्या है फिर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि मैं इंटरव्यू जारी कर सकूं. आप ये बताएं कि अगर आप डू यू ट्रस्ट मी दैट मच बाय नाउ कि जो मैं आपसे सवाल पूछूं उसका जवाब यस में होगा. यस डेफिनेटली इंशाल्लाह. ये ऐसे सोच के यस का है, शायद यस है, या ये कि सही वाला यस है, आपको कोई फिक्र नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसा सवाल नहीं पूछ रहा जो आप यस करके फंस गए? नहीं नहीं नहीं, यस बिल्कुल विद पावर के साथ मैंने बोला है. यस. अच्छा, माशाल्लाह, बहुत 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 शुक्रिया आपका ट्रस्ट करने का. ये है, ये मेरा छोटा भाई है, बेटों की तरह है. अब इसको ये यस करने का क्या मतलब है, मैं मिला तो कभी नहीं, हम तो पहली दफा बात कर रहे हैं. अब इनको ये मिला है कि ये सेफ जोन में है, मैं इनको कोई ऐसी चीज नहीं पूछूंगा जिससे ये इनको सेफ्टी का कोई मसला हो, यही बात मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए आपने यस कह दिया ना, आपको पता भी नहीं सवाल क्या है. दैट्स कॉल्ड फ्रेंडशिप. How you build a friendship and with the speed of light के तो दूसरा बंदा thousands of miles away set बैठा हुआ आपको trust करना शुरू कर दे. You think so? It's a natural? No, it's a skill. How do you do that? We are going to teach you that too. अगर आप सिर्फ ये चीज सीख लेंगे तो you can make a friendship, real friendship. वो fake friendship में मैं बात नहीं कर रहा जो Facebook में लोग अपना time जाया करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा. I don't want to get into detail, but you know what I'm talking. You probably laughing इस बंदे को अमेरिका में बैठे कैसे पता है? फेक नाम है, अपने नाम उसके असल कोई और है, फेसबुक पे कोई नाम रखा हुआ है,
लेट्स गेट टू द पॉइंट. अब राव तलहा ने मुझे फ्रेंडशिप में एक्सेप्ट कर लिया और प्लस उन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है मैं यस करता हूँ, या अभी सवाल भी नहीं पता क्या यस करता हूँ. इसको कहते हैं ब्लाइंड यस, कि आपको कुछ नजर नहीं है सवाल क्या है लेकिन आपने यस कर दिया है. ये कब करते हैं? जब आपका कोई ट्रू फ्रेंड हो. लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके असल में जो रियल वाले दोस्त हैं वो कितने हैं रियलिटी में, दुनिया में? आप ना अपने फिंगर्स पे काउंट काट सकते हो कि वो कितने दोस्त हैं. और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, चूंकि उस एप्लीकेशन प्रोसेस में हम कहते हैं 10 अपने रियल फ्रेंड से वोट लेके आओ, हमें कह रहे हैं कि आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स हु कैन वोट फॉर मी. बट लेकिन जब वो हम उसकी फेसबुक की प्रोफाइल देखते हैं तो 400 फ्रेंड्स हैं. अब रियलिटी बात यह कि 400 में से 10 भी आपके काम के नहीं है. असल क्वेश्चन ये है, दैट्स द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योर सेल्फ. वो जो अगर 10 काम के नहीं है तो सारों का कोई फायदा नहीं है. ऐसे वो फेक अपने आप को स्टेटस में ना रखें. अंदर से अगर आप ब्रोक हैं, एक्सेप्ट इट. 80% सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम एंड वेल डिफाइनिंग इट. इट्स ओके वंस इफ अंटिल द प्रॉब्लम इज वेल डिफाइंड, देयर इज नो वे टू सॉल्व इट. ओके, अगर नहीं है तो दिस इज टाइम टू रीस्टार्ट फ्रॉम जीरो. आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड तला स्टार्टेड फ्रॉम जीरो व्हेन ही स्टार्टेड. एवरी वी ऑल स्टार्ट फ्रॉम जीरो व्हेन वी बॉर्न वी वर अलोन. ठीक है, कोई बात नहीं, हमने सारा कुछ लोगों से सीखा है. लेकिन अच्छी बात यह है कि हम आपको सिखाने के लिए इकट्ठे आ रहे हैं. आपको क्या फिक्र है? आई विश के जब हम 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में थे हमें कुछ करने के लिए आ जाता. बहुत लोगों से सीखा है, ऐसी कोई बात नहीं. लेकिन हम तो खुद सीक आउट करने जाते थे लोगों के, अच्छा ये करें. जैसे तला ने, आप खुद सारी यूट्यूब की वीडियो वॉच करते रहे, ये खुद कर रहे सीखने गए ना. आप कहेंगे ओ वीडियो भी वो यूट्यूब पे वो या पाकिस्तान में चलती नहीं है. आप मुझे क्या बता रहे हैं? राव तला को बताएंगे वीडियो चलती नहीं, उन्होंने कैसे चलाई है? वो प्रॉक्सी करके आपके प्रॉक्सी से स्लो हो जाती है. दैट्स कॉल्ड सेल्फ टॉक, सेल्फ एक्सक्यूज. लेकिन उन्होंने भी तो उसको खत्म किया ना. लेट्स गेट टू द पॉइंट. आई गॉट योर यस, यू कांट से नो एनी मोर. आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन नाउ. राव तला, हमने एक छोटा सा काम शुरू किया है, आपको शायद अभी तक अंदाजा हो गया होगा. आई एम द फाउंडर ऑफ पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमी, ए प्रोजेक्ट ऑफ अल-शरीफ़ फाउंडेशन, जहाँ पे हमारा एम है कि हम 1 मिलियन पाकिस्तानी बच्चों को, बच्चे आपकी एज के 18 साल से ज्यादा लेते हैं जिनका नादरा कार्ड हो बेसिकली, जस्ट टू लेट यू नो, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि लोग गलत किस्म के ना आ जाए ना. आईडी होगी तो देन वी कैन ट्रैक ना. तो उनको हम, जिनको इंग्लिश पढ़नी आती है और लिखनी आती है, बोलनी आनी जरूरी नहीं है. मैं भी आप उर्दू में बात कर रहा हूँ ना, मैं तो उर्दू सीख के आपसे बात कर रहा हूँ. इतनी कौन सी बात है यार, पढ़नी लिखनी तो आती है ना, क्लासों में पढ़ाते हैं ना. आप थोड़ा सा फोकस कर लें उसको, नहीं है तो आप सीखना शुरू कर दें. इंग्लिश पढ़नी आती है और लिखनी आती है, और कोई ना कोई कंप्यूटर स्किल दो, कोई ना कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस्तेमाल करना आता है, ब्लॉगिंग आती है, वट एवर, देर आर सो मेनी थिंग्स एप्लीकेशन के अंदर, वो सारे हैं उसमें, जो आती है आप सेलेक्ट कर लें. मैं आपसे यस किस चीज का लिया? आई वॉन्ट योर सपोर्ट, आई कैन नॉट डू इट अलोन. तला, मैं तो लोगों को, आप जैसे शाइनिंग स्टार्स को इकट्ठे करके, हमारे पास मास्टर ट्रेनर है लेकिन ये जो पाकिस्तानी है वो कई जो है उर्दू में आपसे कंफर्टेबल होकर बात सुन, आपसे पूछ सवाल पूछ रहे हैं. वो गोरे से तो वैसे डर जाएंगे, ये पता नहीं क्या, मतलब मैं इसको क्या कहूँ, मैं कैसे पूछूँ, पता नहीं इसको समझ आएगी मेरी कि नहीं. ये भी वैसे आपकी सेल्फ वो है, अगर आप जब सवाल इंग्लिश में लिखेंगे समझ नहीं आएगी तो हमारा कोई ना कोई बंदा ट्रांसलेट करके गोरे को बता देगा, कोई बात नहीं. दैट्स हाउ यू लर्न. चूंकि आपके जो कस्टमर है फाइवर पे वो कौन है? गोरे हैं. अगर आप उसको आप लिख के अपनी बात नहीं समझा सकते, ऑर्डर कैसे लेंगे, पैसे कैसे लेंगे, यही तो हमने बताना है. हम आपको ये भी बताएंगे कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ताकि जैसे तला अभी बता रहे थे कि उनका ऑर्डर जो है $5 से ज्यादा का होता है, हालांकि बेसिक वहाँ $5 या $10 $15 वाले करते हैं. हैट्स ऑफ टू सल्यूट टू हिम, ही लर्नड इट एवरीथिंग ऑन हिज ओन. लेकिन जो इसके सीक्रेट्स हैं वो सारे हम मैं यस मैंने करवा लिया. आप तो मैं जो मर्जी कहता जो ना, आपने यस तो पहले ही किया हुआ है. आई वॉन्ट हिज सपोर्ट, ही ऑलरेडी सेड यस, वेलकम ऑन बोर्ड एंड वी आर मेकिंग यू एज ए ऑफिशियल PC, we call it Pakistani Social Entrepreneurship Academy, PC Ambassador. So you will be our brand ambassador in Pakistan. That's my offer to you. We are not paying you anything. जैसे recognition, कि आप जैसे जो लोग हैं जो वाकई कर चुके हैं उनको, उन तरह के लोग हमें जो genuinely काम कर रहे हैं. ये देखें बच्चे को आप देख रहे हैं, हाँ छोटा बच्चा यार इनको क्या पता भाई, वो 18 लोग उनके पास जॉब कर रहे हैं. हमें तो पाकिस्तान में ऐसे लोग चाहिए. अगला सुपरस्टार आप होंगे जो वॉच कर रहे हैं. अगर आप इसको एक्ट करें, अप्लाई करें, जो नॉलेज राव तला के पास है वो सिखा रहे हैं, जो मेरे पास है थोड़ा बहुत वो भी मैं सिखाऊंगा, जो हमारे पास जो इस चीज के स्पेशलिस्ट मास्टर ट्रेनर हैं जिनके जो स्टूडेंट हैं वो सुपर सेलर हैं फाइवर पे, दे आर मेकिंग टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ डॉलर्स. उनको हमने बताया कि आप अपने बच्चों, अपने जो स्टूडेंट्स को आप सुपर सेलर पे कैसे लग जाते हैं. ये नहीं मैं कह रहा आप सुपर सेलर बन जाएंगे भाई, वो 10,000 बना रहे हैं, आप $100 भी बना लोगे क्या फर्क पड़ता है, इतनी कौन सी बात है. लेकिन एम तो आप हाई करोगे तो करोगे ना, मेहनत करने के लिए तैयार है, ये सवाल है.
आप ये बताएं कि यस आई एम कमिटेड टुडे एंड आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम गोइंग टू वॉच दिस इंटरव्यू. आपने ये इंटरव्यू पहले तो आपने खुद वॉच करना है, ये मैं बता दूं, फिर आपने अपनी अम्मा अब्बा के साथ बैठ के बात करना है, तीसरी दफा आपने अपने सारे बहन भाइयों के साथ बात करना है बैठ के. यू नो व्हाट, इफ यू हैव नथिंग लर्न इन दिस इंटरव्यू, आपने एक चीज सीखी है, इंस्पिरेशन कैसे लेनी है. आप हंस सकते हैं मेरे पे, ये बाहर से बैठा ऐसे काठी उर्दू बोल रहा था, कोई बात नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोग आप पे हंसेंगे, आप पे बातें करेंगे, कोई बात नहीं. आप अपने काम पे फोकस रखें, जिसको आपका मैसेज समझ आता है वो आपसे अट्रैक्ट खुद ब खुद होता जाता है. तला आप एग्री करते हैं इस बात पे कि नहीं? Yes, definitely you are right. बहुत बहुत शुक्रिया. आप ये बताएं जो जो लोग वॉच कर रहे हैं उसमें वो कोई जो हमें स्पॉन्सर कर रहा है वो भी हो सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट भी हो सकता है, हम तो दोनों को इंस्पायर कर रहे हैं ना. जो आप वो जो वॉच कर रहा है पर्सन, वो आपकी कैसे हेल्प कर सकता है? हाउ समवन कैन हेल्प यू? देखिए सिद्दीक, हेल्प यहाँ पे अब लोग दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है. नंबर वन तो वो सिर्फ मुझे उनकी वो मुझे हौसला दे, मेरे लिए यही काफी है, ठीक है. नंबर वन क्योंकि देखें अगर आप किसी का हौसला बढ़ाएंगे तो वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपको फायदा है, ठीक है, और इससे आने वाले कई लोगों को और फायदा है, ठीक है. और उस लड़के उस बंदे ये जो भी काम करने वाले है, अगर आप उसको हौसला देंगे ना तो वो भी थोड़ा और बूस्ट करेगा. और बाकी अगर आप उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करेंगे या कुछ इस तरह की लग पुलेंगे तो उससे थोड़ा सा काम खराब होता है, ठीक है, उस बंदे के लिए भी रुकावटें बन जाती हैं. तो सबसे पहले यही मैं आप लोगों से हेल्प मांगता हूँ, जितने भी ऑडियंस मेरे फॉरेनर्स जो पाकिस्तानी लोग देखेंगे, जस्ट मैं आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ और आप लोग बस हौसला दिया करें. नंबर दो, देखें जब इंसान को आगे बढ़ना होता है उसको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ठीक है, उसको अच्छे ट्रेनर चाहिए होते हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है. आज तक जो जैसे आपको पता है कि इंसान पैदा होने से लेकर मौत तक लर्नर होता है, हमेशा सीखता है सीखता है सीखता है, तो उसके अंदर यही आज तक जो मैंने सीखा वो उसका एक लेवल है, ठीक है. अब मैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना चाहता हूँ, मैं और सीखना चाहता हूँ. जो जितना मैंने सीख के आप लोगों के सामने परफॉर्म किया, मैं चाहता हूँ कि मैं और सीखूँ और परफॉर्म करूँ, इससे बड़ी अचीवमेंट हो. क्योंकि हार्डवर्क जो है किसी भी चीज को कर सकते हैं ना, तो बस यही है कि मैं अब अच्छे SEO एक्सपर्ट जो हैं, प्रो हैं, मल्टी जो इंटरनेशनल है, उन लोगों से ट्रेनिंग चाहता हूं और ताकि मुझे और आगे आना है. अभी तक जो मैंने सीखा उसके अंदर मुझे पता लगा कि अभी तो काफी चीजें और पड़ी हैं जो मुझे सीखनी है, जो मुझे नहीं पता है. तो मैं यही चाहता हूं कि इंटरनेट मार्केटर्स और SEO एक्सपर्ट्स और ऐसे लोगों के साथ मेरे कॉन्टेक्ट हों जो मुझे ट्रेन कर सकें, तो यही मेरे वो लोग इसी तरह हेल्प कर सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपको. इंशाल्लाह अभी तो आगे जहां और भी हैं, हेल्प तो चाहिए हमें, हर जगह पे चाहिए, हमें भी हेल्प चाहिए होती है. बेशक हम आपकी हेल्प कर रहे हैं लेकिन हमें भी हेल्प चाहिए. अगर ये सारे गोरे जो मेरे साथ ना मिले तो मैं तो ये अकेला काम नहीं कर सकता. हेल्प तो बंदे को हर लेवल पे चाहिए होती है. प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि सारी पार्टियां इकट्ठी रहें. हेल्प हर लेवल पे डिफरेंट है लेकिन इंसान को सारा काम करने के लिए चाहिए होती है. बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया, आपने हमें साथ शेयर किया. इससे अच्छी कोई बात नहीं थी. ये अभी 3:30 बजे हुए सुबह के, लेकिन मैं ऐसे फ्रेश हूं जैसे कभी दिन का टाइम है, ठीक है. लेकिन ये बात है कि ये मैं इतना कंपैशनेट और कमिटेड हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग फ्रॉम पाकिस्तान लेके आऊंगा, लेके आ रहा हूँ पहले से. सो थैंक यू राव तलहा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर विजडम विद अस टुडे ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमी, ए प्रोजेक्ट ऑफ अल-शरीफ फाउंडेशन एंड इट्स एंटायर कम्युनिटी. वी अप्रिशिएट यू. दिस इज मोहम्मद सिद्दीक, विश यू गुड लक, गुड सेल्स, एंड आई डू होप आवर पाथ क्रॉस अगेन ऑन नेक्स्ट इंटरव्यू. ऑल गुड विशेस एंड अल्लाह हाफिज़.